हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 से 8 तक की वर्कशीट नंबर 71 लेके आई हूँ। बच्चों, ये बहुत ही आसान वर्कशीट है। इसमें आपको बताया गया है कि आपके विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी ऐसी फैली हुई है जिसकी वजह से आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें हमारी दोस्त होती हैं सबसे अच्छी। ठीक है, इससे आपकी पढ़ाई और जो मनोरंजन है दोनों ही होते हैं। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए हैं, सबको पता चल गया है इस बीमारी के बारे में, और कामकाज भी सामान्य हो गया है। देखो बच्चों, पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर अनलॉक शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे सबके काम जो नहीं जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कुछ लोग तो अब भी वैसे ही कर रहे हैं, ठीक, और कुछ लोग जो जा सकते हैं, जाके अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करने के भी अलग अलग तरीके और नियम बन गए। अब क्या होता है बच्चों, ऑनलाइन वर्कशीट आती है और आप घर बैठ के करते हो। ठीक, सबसे पहले आप 5 मिनट आँख बंद करो, इसमें लिखा है वर्कशीट में। ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ, फिर उसे लिख कर पढ़ने वाली जगह के सामने वाली दीवार पर लगा दो। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ने के लिए कुछ और बातचीत करें। इस वर्कशीट में बच्चों आपको थोड़े से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले है बच्चों, पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं आपके, कौन कौन करता है, आपके मम्मी पापा दादा दादी बहन भाई यही करते हैं ना, तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके साथ कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन पढ़ता है बच्चों, भाई बहन अगर आपके हैं तो, ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई नहीं लिख दो। ठीक, अगला तीसरा क्वेश्चन है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों के किस प्रकार से सहायता लेते हैं, लिखिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, और है तो क्या लिखोगे। देखो, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख सकते हो मेरे पास स्मार्टफोन है या उपलब्ध है। ठीक है, और जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या लिखोगे, मेरे पास एक साधारण फ़ोन है, मैं अपने पड़ोसी तथा दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करता हूँ, जब कुछ पूछना होता है तो मैं अपने शिक्षकों को फ़ोन कॉल कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। आंसर है बच्चों, मैं कमरे के अंदर पढ़ता हूँ जहाँ पर्याप्त रोशनी हो तथा शोर ना हो, और इस बात का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है। आंसर, मेरी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, इसके साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी पढ़ाई में मदद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। आंसर है, मेरे पापा मेरी ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो आंसर है, मैं पढ़ाई के बीच में म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। ये थे बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन, बहुत ही इजी वर्कशीट थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।